हरियाणा के रोहतक की सुनियारा जेल में बलात्कार के अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया। पिछले 30 महीनों में ये आठवां मौका था जब उसे जेल से रिहा किया गया। इस बार फरलो पर वो 21 दिनों के लिए जेल से छुट्टी लेकर बाहर आया। बार बार गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई सरकार उस पर मेहरबान है या फिर कानूनी प्रावधानों की कमजोरी का वो फायदा उठाकर बार बार जेल से बाहर आता है, गाने बनाता है, घूमता है और जब छुट्टी की अवधि खत्म हो जाती है तो फिर से जेल चला जाता है। 2017 फरवरी से वो जेल में बंद है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन वो लगातार जेल से बाहर आता है, छुट्टियां मनाता है और चला जाता है। इस बार भी वो 21 दिनों की फरलो पर जेल से बाहर आया है। 2017 में गुरमीत राम रहीम को दो मामलों में उम्र कैद की सजा हुई थी, एक पत्रकार की हत्या के मामले में और अपने डेरा सच्चा सौदा की दो युवतियों के साथ बलात्कार के आरोप में। लेकिन लगातार या तो सरकार उस पर मेहरबान है या फिर वो कानूनी प्रावधानों का फायदा उठाकर जेल से बाहर आता है। हम आपको क्रमशः उन तारीखों के बारे में, उन वजहों के बारे में भी बताएंगे जब जब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया और उसने क्या क्या किया। पहली बार गुरमीत राम रहीम 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन की पेरोल पर बाहर आया था, तब उसकी मां बीमार थी। फिर 21 मई 2021 को उसे 12 घंटों के लिए पुलिस सुरक्षा में जेल से रिहा किया गया ताकि वो अपनी बीमार मां से मिल सके। फरवरी 2022 में तो उसे अपने परिवार से मिलने के लिए 21 दिनों की रिहाई दे दी गई और तब उसे सरकार की ओर से Z+ सिक्योरिटी भी दी गई। जून 2022 में राम रहीम को 30 दिन और अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पेरोल पर बाहर लाया गया। इस बार जब वो 40 दिन के लिए बाहर आया था तो उसने अपना म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किया था। वहीं इस साल 2023 में भी जनवरी और जुलाई में राम रहीम बाहर आ चुका है। जनवरी 2023 में 40 दिनों की पेरोल पर वो बाहर आया था तो जुलाई 2023 में वो 30 दिनों के लिए जेल से बाहर आया था और इस बार भी वो 21 दिनों के लिए फरलो पर बाहर आया। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि आखिर किन कानूनी प्रावधानों का वो फायदा उठाकर जेल से बाहर आ जाता है। हम आपको दोनों चीजें बताएंगे कि आखिर पेरोल क्या होती है और फरलो क्या होती है जिस पर इस बार गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया है। दरअसल पेरोल उस अपराधी को दी जाती है जो जेल में करीब एक साल की सजा काट चुका होता है, उसके आचरण अच्छे होते हैं तो वो जेल से छुट्टी लेकर बाहर जाता है और जो जरूरी काम होते हैं वो निपटाता है। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली ये होती है कि जो पेरोल है उसमें आपकी सजा के दिन जो आप छुट्टी लेकर जाते हैं पेरोल पर वो सजा में जुड़ते हैं। यानी कि अगर कोई भी अपराधी जिसे 5 साल की सजा मिली है और वो 30 दिन की पेरोल पर बाहर आया है तो 5 साल की सजा पूरी होने के बाद उसे 30 दिन और जेल में रहना पड़े। लेकिन गुरमीत राम रहीम इसी बात का फायदा उठाता है क्योंकि उसे जघन्य अपराधों में, हत्या और बलात्कार के आरोपों में उसे उम्र कैद की सजा मिली है, यानी उसका पूरा जीवन जेल में ही जाएगा, तो पेरोल पर वो आसानी से बाहर आ सकता है क्योंकि वो उसकी सजा में जुड़ेगा नहीं। वहीं बात करेंगे दूसरी ओर फरलो की। फरलो एक तरीके से छुट्टी होती है। 21 दिनों की छुट्टी पर वो बाहर आया। हमारे ऑफिस में भी हमें 21 दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन एक अपराधी को जिसने बलात्कार किया है, जिसने एक हत्या की है पत्रकार की, वो 21 दिनों के लिए छुट्टी पर बाहर आया है। लगातार राम रहीम जेल से बाहर आता है, छुट्टी मनाता है, गाने बनाता है और फिर से जेल चला जाता है। बता दें गुरमीत राम रहीम की इस रिहाई को, न सिर्फ इस रिहाई को बल्कि जितनी बार भी वो छुट्टी लेकर पेरोल पर या फिर फरलो पर जेल से बाहर आया है, इसे चुनावों से जोड़कर देखा जाता है। इस बार राजस्थान में चुनाव है। हरियाणा के कुछ विधानसभा सीटें जो राजस्थान से जुड़ती हैं उसमें गुरमीत राम रहीम का काफी ज्यादा इम्पैक्ट है, जिसको जोड़कर इस फरलो को, जो राम रहीम की फरलो है 21 दिन की छुट्टी है, उसको राजस्थान चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कई राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है, सवाल भी उठ रहे हैं कि ऐसे अपराधी का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए लगातार क्यों हो रहा है। वही देखने वाली बात यह होगी कि लगातार गुरमीत राम रहीम ऐसे कानूनी प्रावधानों का, सरकारों का फायदा उठाकर जेल से कब तक बाहर आता रहेगा। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं NBT ऑनलाइन। नमस्कार।